हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के संबंध में। क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सिलेबस क्या होगा आपका, बेस्ट बुक्स कौन कौन सी आप रेफ़र कर सकते हैं और टोटल पोस्ट हर एक ज़िले में कितनी है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आज ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है पटवारी भर्ती से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एज की बात की जाए तो एज आपकी रहेगी 18 से 40 वर्ष, यानी कि अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे ये पहले एग्ज़ाम 12th पास पे निकलती थी। अगर 12th स्टैंडर्ड है आपका तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब बदल कर इसका क्राइटेरिया कर दिया है ग्रेजुएशन का, यानी कि कम से कम आपको स्नातक होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर कोर्स भी यहाँ पर अनिवार्य है। RSCIT अगर आपके पास है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने नीचे दिया है आपको BCA कंप्यूटर साइंस इन BTech, ITI, COPA, PGDCA और O लेवल। दोस्तों अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, तो आपको यहाँ पे RSCIT की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास RSCIT कोर्स नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम यहाँ पे टोटल पोस्ट क्या रहने वाली है। तो राजस्थान पटवारी में टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 3835। अब यहाँ पे हर एक ज़िले की कितनी पदों की संख्या है ये मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ देने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपके पास, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखिए अजमेर में 180 है, अलवर में 76 है। तो इस प्रकार से हर एक ज़िले की यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो है आपकी भीलवाड़ा में 255 पोस्टें हैं, और सबसे कम पोस्ट जो रहेगी दोस्तों आपकी वो है दौसा में 34 पोस्ट है। तो ये ऑफिशियल जानकारी है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कहाँ पे कितनी पोस्ट है, इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल चुकी है। आगे बात की जाए दोस्तों तो अब सिलेबस की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यह एग्ज़ाम पहले 12th पास पर निकलती थी, अब इसका क्राइटेरिया चेंज करके ग्रेजुएशन कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पेपर थोड़ा हाई लेवल का देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि पेपर का लेवल जो होगा वो पहले से इंक्रीज़ होगा, अच्छा पेपर आपको इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा उसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है अभी से, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पटवारी भर्ती परीक्षा 2015 का। तो दोस्तों आपको पता है जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले ही आपको इन सब सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा आपके एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एक है आपका साइंस, सेकंड है आपका मैथ, थर्ड है आपका कंप्यूटर और फोर्थ है आपका हिंदी। इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा और 300 नंबर का पूरा आपका कंप्लीट पेपर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान का ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, हर एक टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इस वीडियो का ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इन टॉपिक्स की अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो आप वहाँ पर देख सकेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ये है आपका भूगोल का सिलेबस जो है आपका राजस्थान GK के अंदर आता है। अगला आता है पॉइंट आपका दैनिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो ये है आपके सामने। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। आगे आता है आपका ये मैथ का सिलेबस, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों तो ले सकते हैं, ये आपका कंप्लीट मैथ का सिलेबस रहेगा। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे है आपका बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस, ठीक है दोस्तों ये आपका बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस है। आखिरी में आता है दोस्तों आपका सामान्य हिंदी का कंप्लीट सिलेबस, तो ये सामान्य हिंदी का सिलेबस रहेगा, जैसा कि संधि संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना एवं समास विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, तो ये सारा कंप्लीट सिलेबस है आपके सामने दोस्तों।
सिलेबस के बाद दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि बेस्ट बुक्स कौन सी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ आपको एक ही प्रकार की बुक्स बताई जाती है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए स्पेशल उन विद्यार्थियों की पसंद है दोस्तों जिन विद्यार्थियों का पटवारी एग्ज़ाम 2015 से अभी तक सिलेक्शन होता आया है। तो दोस्तों उन विद्यार्थियों ने किन बुक्स का रेफ़र किया था उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर अगर आपको यहां पे चाहें तो आई बटन का एक बटन दिखेगा उस पर भी जाके आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और एक बार प्लीज़ दोस्तों आप इन बुक्स का रेफ़र ज़रूर करिएगा, ये बहुत ऑथेंटिक बुक्स है। अगर आप इनको रेफ़र करते हैं तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।